नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। कांडी में कांग्रेसी नेता द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। कांडी से हमारे संवाददाता धीरेन्द्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कांडी मचिया विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अमृत शुक्ला के द्वारा मंगलवार को सुग्रीव राम के आवास पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार तूफानी उपस्थित थे। वहीं सम्मेलन में उपस्थित लोगों के बीच किसान विरोधी कृषि कानून 2020 के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान उपस्थित लोगों ने बिजली, पानी, अंचल सहित कई जन समस्याओं को उनके समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अमृत शुक्ला ने बिजली के बारे में लोगों को जानकारी देते हुए कहा कि मैं चुनाव से पूर्व दलीदर भगाओ रैली के दौरान लोगों को कहा था कि जल्द बिजली में सुधार होगा और हुआ। वहीं कांडी अंचल कर्मियों पर भ्रष्टाचार व घुसखोरी का आरोप लगाते हुए जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कई लोगों द्वारा मुझे फोन किया जाता है कि यहाँ मोटेशन को लेकर कांडी अंचल में काफी घुसखोरी चल रहा है। प्रति ऑनलाइन मोटेशन में 5 से 10 हजार रुपए की राशि की वसूली की जा रही है। वहीं कांग्रेसी नेता ने कांडी थाना पर भी कई प्रत्यारोप लगाए। उन्होंने कहा कि आपका समर्थन मेरा प्रयास तब जाकर होगा क्षेत्र का विकास, इसलिए पहले सर्वप्रथम मुझे आप लोगों का समर्थन की ज़रूरत है। इस दौरान उन्होंने लोगों के बीच अपना मोबाइल नंबर जारी करते हुए कहा कि चाहे जो भी समस्या हो, लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वहीं सम्मेलन में कांग्रेसी नेता सत्यनारायण यादव, ओम करण तिवारी, अनिल पांडे, सुग्रीव राम, शिव कुमार सिंह, रिंकू पासवान, राम बचन राम, विजय सिंह, डिहरी सिंह, मोती लाल, लाल बहादुर झारी, झरी प्रसाद समेत सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जनता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। वह घटना नहीं होती तो मैं हर हालत में इलेक्शन लड़ता, लेकिन चूंकि घटना हो गया इसके बाद हमको लोग दोषी बनाने लगते, इसलिए मैं चुप हो गया था। तो मैं यह महसूस किया कि चुनाव के बाद लॉकडाउन लग गया था, लोगों का आना जाना बंद हो गया था, तो क्षेत्र की जनता यह महसूस न करे कि अमृत शुक्ला क्षेत्र से बाहर चल गए या साइलेंट हो गए या राजनीति उन्होंने बंद कर दिया। इलेक्शन में भी 4 साल है, आप मुझको कैंडिडेट मानकर मत चलिए। मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं घरे रहूंगा तो आप लोग पहुंच जाइएगा कि आपको लड़ना ही लड़ना है। झारखंड में 20 साल हो गया, 20 साल में कांग्रेस का कभी शासन नहीं हुआ था, अभी गठबंधन में शासन है। इतना व्यवस्था भ्रष्ट है, इतना व्यवस्था भ्रष्ट है कि बिहान बाल के और फलना के क्या करते हैं, कोई काम ऐसा नहीं है। और पहले जनाबाद में दाखिल खारिज में 3000 लगता था, 5000 हो गया। अब दाम के कीमत देख के 50000 बोलेगा, सीओ की 1 लाख बोलेगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए नहीं कर पाऊंगा कि हमको लड़ना है सीओ से, तो आपका ताकत चाहिए। जनता अगर जागरूक है, आप बोलिए कि सीओ यहाँ धांधली करता है, कर्मचारी यहाँ घूस लेता है, दाखिल खारिज 30,000 से कम में नहीं करता है, और दाखिल खारिज वाला 30 को पिटिशनर रहेंगे। मैं गढ़वा से चल कर आऊँगा और 500 जनता ब्लॉक पर खड़ा रहेगा, 500 के ताकत से मैं बात करूँगा। आपको मुँह नहीं है, आपको जबान नहीं है, आपको कमज़ोर समझता है, आपको बोलता है। हम लोग डीसी को भी कुछ नहीं समझते हैं, बशर्ते जनता का समर्थन और साथ हो। तो हमसे बेसी जागरूक आप लोगों को होने की आवश्यकता है, अपने अधिकार के लिए आपको खड़ा होना है। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज झारखंड, सबसे पहले सबसे तेज। तो हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।